2014 में अपनी पत्नी सुजैन खान से तलाक लेने के बाद ऋतिक रोशन का नाम कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, लेकिन उनकी शादी की खबरें कभी नहीं आई। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही ऋतिक रोशन के घोड़ी चढ़ने की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि डुब्बू को एक बार फिर से हमसफर मिल गया है। जी हां, आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन एक बार फिर से शादी करने का प्लान बना रहे हैं। ऋतिक रोशन ने इसके लिए लड़की भी फाइनल कर ली है। उसका नाम जानकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी। आपको बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुजैन है, जिससे ऋतिक शादी का प्लान बना रहे हैं। भले ही ऋतिक रोशन ने सुजैन खान से तलाक ले लिया हो, लेकिन दोनों के बीच की गहरी दोस्ती देखते ही बनती है। एक तरफ जहां दोनों के दोबारा शादी की खबरें छाई हुई हैं, वहीं तलाक के बावजूद दोनों अक्सर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर कभी डिनर डे तो कभी हॉलीडे और फैमिली फंक्शंस में भी साथ नजर आते हैं। हाल में ही जब इस बारे में सुजैन खान से सवाल किया गया तो उनका कहना कुछ ऐसा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब सुजैन खान से ऋतिक रोशन से शादी वाला सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ पर कोई जवाब नहीं देंगी। इससे पहले एक प्रमुख अखबार को ऋतिक से जुड़े क्लोज सोर्स ने दोनों की शादी के बारे में जानकारी दी थी, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक रोशन और सुजैन खान दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को बखूबी जानते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब समय बिताते हैं। दोनों अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं करना चाहते, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, ताकि उनके माता पिता के बीच का जो अलगाव है उससे उस पर गलत असर ना पड़े। यही नहीं बल्कि भले ही दोनों सितारे एक दूसरे से अलग रह रहे हों, लेकिन एक साथ रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इन्हीं अचकलों के बीच एक दोस्त की तरह ऋतिक और सुजैन खान भी छुट्टियों पर जाने का प्लान बना रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये दोनों दोस्तों के साथ गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं। वैसे तो दोनों को उनके बच्चों के साथ कई बार देखा गया है, लेकिन इस बार दोनों अपने बच्चों के बिना ही हॉलीडे पर जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं। इफ रूमर्स आर टू बी बिलीव्ड, ऋतिक और सुजैन के बीच सब कुछ सही चल रहा है। दोनों ने अपने रिश्ते के उस नाजुक धागे को पहचान लिया है जहां से इनके बीच खटास की शुरुआत हुई थी। ये तो सभी जानते हैं कि 2014 में जब ऋतिक और सुजैन ने तलाक लिया था तो इनके फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा था। हालांकि इसके बाद भी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं करना चाहते, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ मिलकर एक साथ खूब सारा समय बिताते हैं। वेल, इस खबर के बाद तो सभी यही जानना चाहते हैं कि क्या सच में ऋतिक और सुजैन वापस एक साथ हो जाएंगे? क्या सच में दोनों की शादी हो जाएगी? अगर ये सच हुआ तो इनके फैंस को काफी खुशी होगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और पिंक वाला हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।